बुजुर्ग दंपति का मंदिर के समीप शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। सरकारी स्कूलों की लड़खड़ाती शिक्षा, छठी कक्षा के छात्र छात्राओं को नहीं आता अपना नाम भी लिखना। 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। अब बुलेटिन विस्तार से। जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास गांव बादामपुर में समीप मंदिर की कुटिया में एक बुजुर्ग दंपति मंदिर के सहारे रहकर जीवन यापन करते थे, जिसको लेकर बताया जाता है कि 80 वर्षीय रामजीलाल व 70 वर्षीय भगवान देवी अपने बेटों के घर से अलग रहकर मंदिर के समीप ही उनके द्वारा अपनी कुटिया बनाई गई थी, जिसमें वो रहते थे। मंदिर पर पूजा अर्चना करने के साथ वे अपनी कुटिया में ही जीवन यापन करने लगे थे। घटना तड़के सुबह की है, जहां रामजीलाल और भगवान देवी को उनकी नातिन नीरू दूध देने के लिए कुटिया पर आई थी। वहां आकर उसने दोनों का शव कुटिया में पड़ा देखा, जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसके शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई। थाना क्षेत्र का ये देहात क्षेत्र में पड़ता है, जनपद अलीगढ़ में। यहाँ एक बादामपुर गांव है। यहाँ पर एक वृद्ध दंपत्ति है, जिनकी उम्र लगभग 80 साल और 72 साल बताई गई है। और आज यहाँ सुबह सूचना मिली कि इनके जो मृत्यु हो गई है और इनके शव या इनकी झोपड़ी है यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस हरकत में आई, मौके पर आई, टीमें गठित करके जांच पड़ताल शुरू की गई है। जो शव हैं उनका एग्जामिन किया गया, तो उसमें गले पर चोट के निशान है, जैसे किसी ने मतलब संभवतः स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, लेकिन सही कारण जानने के लिए शवों को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट की टीम को यहाँ पर बुलाया गया और पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। किसी झोपड़ी के अगल बगल इनके खेत हैं। गाँव वालों से जानकारी लगी कि लगभग 20 बीघा इनकी खेती है। इनके 3 पुत्र हैं और खेती अभी इन्हीं के पास थी, पुत्रों को नहीं दी गई थी। जितने सभी पहलू इससे संबंधित हो सकते हैं, सभी पर अभी जांच की जा रही है। हमारी टीम इसमें लगातार लगी हुई है। जो ये झोपड़ी है, इसका सारा सामान अपनी जगह पर है और इसमें व्यक्तिगत रंजिश के बारे में ज़्यादा लोगों के द्वारा इंगित किया जा रहा है। फिर भी साइंटिफिक विवेचना के आदेश दे दिए गए हैं और सटीक जानकारी करते हुए सही अपराधियों तक पहुंचने के लिए टीमों को आदेशित किया गया है। जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जो संदिग्ध थे, जिन पर सत्य जताया गया है और क्षेत्रीय लोगों ने कुछ आशंकाएं जताई है, उसके आधार पर पूछताछ शुरू कर दी। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, सरकारी स्कूलों पर करोड़ों खर्च करके भी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर होने का दावा करती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से जब एटी न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की तो रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आया। मामला अलीगढ़ के दहली गेट थाना इलाका स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल गुड़ियाबाग का है, जहां स्कूलों के रियलिटी चेकिंग के दौरान छात्र छात्राओं से उनके नाम, स्पेलिंग और जानवरों के कुछ नाम पूछे तो सभी विफल दिखे। ये देख हर सरकारी स्कूल की शिक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है। सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च करने पर भी सरकारी स्कूलों की शिक्षा ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ के शिक्षक बच्चों के भविष्य से ही नहीं, उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि ऐसे शिक्षकों पर ठोस कदम उठाकर कोई कार्यवाही की जाए, ताकि बच्चों के भविष्य से ना खेला जा सके। हमारे संवाददाता ने कक्षा छठी के छात्र छात्राओं से कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने लड़खड़ाते हुए क्या जवाब दिए, आइए देखे। बेटा सुन, क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय, अच्छा कौन सी क्लास के स्टूडेंट? सिक्स के। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सिक्स में। हैं? सिक्स में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गुड़िया। हैं? कौन सी क्लास है? स्कूल का नाम मालूम है? नहीं पता। अच्छा कौन कौन से पेपर अब तक दे चुके हो? पेपर कौन कौन से हो गए तुम्हारे? पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? नाम क्या बेटा? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स क्लास में। पेपर कौन कौन से कर लिए तुमने? मंजरी, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इंग्लिश में क्या क्या जानते हो? पेपर दिया था इंग्लिश का? अच्छा, एबीसीडी आती है? अच्छा, हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिफेंट। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग नहीं आती। हाथी के एलिफेंट कहते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती? अच्छा, किसकी स्पेलिंग आती है? कैट और डॉग की। कैट और डॉग की आती है। अच्छा, सेब की मालूम? सेब क्या कहते हैं?
एप्पल। इंग्लिश स्पेलिंग मालूम है? क्या है? एलिफेंट। गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुलाब नहीं पता। रोज। रोज स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग नहीं आती। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी की स्पेलिंग बताना। L A X M I M I आरुषी। आरुषी, आरुषी कौन सी क्लास की पेपर साल तो आया? सिक्स के। कौन कौन से पेपर दिए आपका? हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का। आरुषी की स्पेलिंग क्या है? हमारे नाम की स्पेलिंग। अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो? अपना नाम इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो? नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोग नर्सरी से सिक्स तक आ गए, पेपर कैसे देते हो? पेपर कैसे देते हो? पेपर देते हो तो पेपर में कुछ लिखते हो? क्या लिखते हो? इंग्लिश के पेपर में अपना नाम लिखते हो? कैसे लिखते हो? आरुषि। हैं? आरुषि। कौन लिखता है स्पेलिंग? स्पेलिंग में लिखते हो? हिंदी में। इंग्लिश में नहीं लिखते? अच्छा ये बताइए, आपको हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोप्लेन। स्पेलिंग पता है? नहीं पता। आप ये बताइए, नर्सरी से लेके अब तक आप कभी फेल हुए? नहीं हुए। जब आपको आता नहीं तो आप पास कैसे हो गए? अच्छा पेपर में क्या क्या आया था? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम? स्कूल का नाम तो पता हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? नहीं पता। स्कूल का नाम भी नहीं पता? स्कूल का नाम तो भरा जाता है उसके अंदर, जैसे किताब को लिखते हो, नाम लिखते हो? नहीं पता। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया, साथ ही मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसीएम तृतीय सुधीर कुमार को सौंपा गया है, जिसमें जानकारी देते हुए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी कालीचरण सिंह ने बताया कि बीते दिनों से पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात के कारण किसान के आलू, मटर, मसूर, गेहूं तथा आम की फसल चौपट हो गई है, जिसको लेकर किसानों को भारी नुकसान होने पर उचित मुआवजा और किसानों के कर्जा माफ की मांग की है। जी आज हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी एवं राज्यसभा सांसद हैं, उनके निर्देशानुसार विगत दिनों जो लगातार तीन दिन फसल के ऊपर ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, उसके कारण किसान की फसल को मटर है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, आलू है, आपकी जितनी भी खेती है उनको जो नुकसान हुआ है, इवन आम का बोर भी पूरा गिरा, आम वालों को भी बहुत, आम की खेती करने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है, सब्जी करने वाली, खेती करने वाले जो लोग किसान हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। उसके लिए सरकार अपने स्तर से हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी महोदय, कि हमारे किसानों की फसल का तुरंत सर्वे करा करके उचित मुआवजा दिया जाए और किसान की फसल को जो भी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी कमर टूट गई है, वो अपने पैरों पर भी अपने गुजर बसर नहीं कर सकता है, अपने परिवार की, उसको उनको राहत तौर पर, राहत फौरी तौर पर राहत प्रदान की जाए, आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, और जहाँ भी आकाशीय बिजली गिरने से किसान के परिवारों की, किसान की मौत हुई है, वहाँ उन परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं एक परिवार को नौकरी तुरंत रूप से दी जाए एवं फसल बीमा को तुरंत दिलवाया जाए, या और भी मुख्यमंत्री को से अन्य तौर की जो राशि प्रदान हो सकती है, सहायता प्रदान हो सकती है, वो भी अविलंब रूप से दी जाए। किसानों के जो कर्ज हैं वो माफ़ किए जाएँ। अब किसान इस स्थिति में नहीं है, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं, लिहाजा हम राष्ट्रीय लोकदल के समस्त कार्यकर्ता अपने माननीय जयंत चौधरी के निर्देशानुसार आज एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा जिलाधिकारी, कि हमारी इन किसानों की मांगों को तुरंत रूप से संज्ञान लिया जाए और इस पर उचित कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजे का इंतजाम किया जाए। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया।